दशमा महोत्सव की जय। श्री भक्तराज बल्लाल महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निदाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मानुषम और मनुष्य भी
इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्री सुखदेव गोस्वामी का भगवान नरसिंह के प्रागट्य के समय इस श्लोक को बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने दास की बात को सत्य करने के लिए श्री भगवान खंभे में से प्रकट हुए और इन सकल विषयों में अपनी सर्वव्यापकता को सिद्ध करने के लिए वो इस सभा के खंभ से अत्यंत अद्भुत रूप से अपने आप को प्रकट किया, जो रूप कभी सुना नहीं गया था, कभी देखा नहीं गया था। ऐसा जिनका ऊपर का हिस्सा सिंह का था और नीचे का हिस्सा मनुष्य का था। अमज्ञान निमिरंदस ज्ञानांजन सदाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोहविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति शबदन्तिकं। वन्देहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नमश्नमन्त श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश मुखं कदौक्तिवाचानं पङ्गुमलङ्गजतगिरिं यत्कृपास्तमहमन्दे परमानन्दमाधवं जायतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमोहनं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। भगवान नरसिंह देव की आज श्री भगवान का 10 अवतार स्तोत्र में लिखा हुआ एक रूप का आज आविर्भाव दिन है। श्री जयदेव गोस्वामी पाद ने गीत गोविंद के उन प्रारंभिक स्तोत्र में ये 10 अवतार लिखा है। भगवान केशव इन 10 अवतार में अपने आप को प्रकटित करते हैं लीला के लिए। तो इसमें से श्री भगवान नरसिंह देव का आज प्रागट्य तिथि है और भगवान नरसिंह देव यहाँ आए हुए समस्त भक्त वृंद का इस जगत में होने वाले दुखों से उनको मुक्ति प्रदान करें इस आशा अभिलाषा के साथ हम लोग आज का ये प्रवचन प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि सत्यम विदातुम निज वृत्त भाषितम, अपने वृत्त अपने दास की बात को सत्य करने के लिए श्री भगवान इस संसार में प्रकटित हुए। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्त को भगवान जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम वो अपने आत्मा को नहीं करते, अपने आप को नहीं करते हैं।
और व्रत अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी करते हैं, अनंतो उनके अंश साक्षात ईश्वर जिनको कहते हैं संसार में देवदेव महादेव को, और अपने पुत्र ब्रह्मा को भी वो इतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम वो अपने भक्त को करते, और उसी अपने भक्त की रक्षा के लिए श्री भगवान आज चतुर्दशी के दिन में प्रकटित हुए थे। अपने भृत्य की बात को सत्य करने के लिए सिद्ध साई बात कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए, क्या ब्रह्मा जी की बात थी, उनकी बात को रखने के लिए हिरण्यकश्यपु ने जब बहुत तपस्या किया और उन तपस्या के बल पर श्री ब्रह्मा जी को आना पड़ा जबरदस्ती उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, क्योंकि इनकी तपस्या के कारण उनके सिर से उठने वाली जो अग्नि थी उस आग में उन ऊपर की त्रिलोकी के साथ सब लोग जलना प्रारंभ किया था, वो हाहाकार करते हुए श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए कि आप जल्दी से उनको इन असुर को तपस्या से मुक्त कीजिए, उनको जो चाहिए वो दे दीजिए। ब्रह्मा जी को बाध्य होकर के आना पड़ा और उनका उठो एक कश्यप कश्यप के पुत्र तुम्हारे जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता, तुम उठो ऐसा कहते अपनी अंजलि से जल का छिड़काव किया तो उनके शरीर को चीटियां उनके खून को चाट गई थी, केवल हड्डियों में प्राण भर करके वो तपस्या करता था, क्योंकि देवता के 1000 साल हमारे 36,000 साल नहीं 100 साल का 36 होता है, 36 × 1000 इतना लंबा तपस्या हिरण्यकश्यपु ने किया था, क्यों अमर बनने के लिए, और इस जगत का एक छत्र सम्राट बनने के लिए श्री ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए ये काम किया था, और वास्तव में तभी से ब्रह्मा जी निवृत्त हो गए उनको आशीर्वाद देख करके वरदान देख करके, और शासन उन्होंने 71 युग पर्यंत पूरे ब्रह्मांड का शासन किया, वो महाअसुर ने अपने हिसाब से शासन किया, आप सोचो कितना महान होगा वो व्यक्ति, वो हिरण्यकश्यपु इतना दुख देने लगा देवताओं को क्योंकि देवताओं के पास तो पहले से स्वर्ग छीन लिया था, 71 मन्वंतर तक इंद्र को और देवताओं को भागना पड़ा था, वो लोग भटक रहे थे बगैर द्वार, उनका रहने का ठिकाना हिरण्यकश्यपु ने छीन लिया था और वहां खुद बैठ करके पूरे संसार का राज्य चला था 14 भुवन का, और ब्रह्मा जी शांति से आराम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वरदान दिया। अच्छा क्या वरदान किया दिया था उन्होंने, पहले मांगा कि मैं अमर बन जाऊं, बोले बेटा शक्य नहीं है ये बात शक्य नहीं है, दूसरा कुछ मांगो, तो बोलते ठीक है लिस्ट बनाने दो, बोलते नो प्रॉब्लम बना लो लिस्ट, उन्होंने याद करके पूरा लिस्ट बनाया, मैं आदमी से न मरू, पशु से न मरू, रात में न मरू, दिन में न मरू, और कहते कि गीले से न मरू, सूखे से न मरू, हस्त से न मरू, शस्त्र से न मरू, सब कुछ मांगते मांगते ब्रह्मा जी से ये भी मांग लिया, आपकी सृष्टि में कोई भी नर वानर कोई भी सृष्टि में आपके द्वारा सृष्टि में कोई भी प्राणी से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हुए जब ब्रह्मा जी बोले बराबर है ना, बोले हाँ, ब्रह्मा जी बोले ठीक है, साइन किया ब्रह्मा जी ने, तथा अस्तु, जाओ बेटा ऐसा ही हो। अब ब्रह्मा जी की इस बात को रखने के लिए भगवान ने ऐसा उलिया बनाया, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये सिंह एक रूप है, लेकिन आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप कोई सर्जित अपने भक्त की बात को रखने के लिए, क्योंकि ये असुर इतना उदंड हो गया और इतना प्रचंड उनका शासन रहा कि सभी देवता त्राही माम कर उठे, 71 चतुर्युगी तक श्री नारद के साथ समस्त जितने भी गंधर्व इत्यादि थे वो भगवान हिरण्यकश्यपु की जय बुलाते थे, नारद जी इन क्यों, नारद जी भी थे
की क्या करे, कोई चारा नहीं था नारद जी के लिए भी। नारद जी प्रचार के लिए आना ही चाहते थे इस विश्व में, ये भौतिक जगत में, और शासन उनका था, इसलिए वो बाध्य होकर के उनको प्रणाम करते थे और उनके लिए गीत भी गाते थे। सोचिए आप, भगवान के महान भक्त श्री नारद मुनि, हम सोच सकते हैं जैसे नारद का स्थिति हो गया था उस टाइम, इतना संकट में पड़ गया था विश्व, और देवता लोग के साथ समस्त ताहिमाम था, ये पृथ्वी पर कोई यज्ञ नहीं होने दे रहा था, 71 युग, सोचिए 71 युग पर्यंत उन्होंने शासन किया। रावण ने 14 चतुर्युगी शासन किया था, ये रावण से भी बड़ा, यही रावण बना था बाद में, और कोई नहीं था, यही इतने वेदों असुर बड़े हुए संसार में, उनसे बढ़कर दोनों भगवान के पार्षद थे। जय विजय का श्राप जय विजय को मिलने के कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल असुर के रूप में 3 जन्म उन्होंने लिया था, इसलिए इतना बल था उनके पास। इनके बल से डर करके देवता लोग अभी भगवान का आश्रय ग्रहण किए, क्योंकि ब्रह्मा ने जो वचन दे दिया था, ब्रह्मा कुछ कर सकने वाले थे नहीं, चुपचाप अपने ब्रह्म सत्य लोग में बैठे हुए थे, कभी बेटे को आशीर्वाद करने के लिए आया करते, आशीर्वाद तो दिया था, तो कभी आते जाते थे, ये ठीक नहीं, ये ठीक, बोला आप जाइए अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। अभी तो ब्रह्मा को भी नहीं गिरता, वो इतना बड़ा हो गया था, यहां तक कि ब्रह्मा जी के पास से उन्होंने अष्ट सिद्धि, नव निधि और समस्त लोकपालों की पदवी और अक्षय सिद्धि मांग लिया था उन्होंने, जो कभी फेल नहीं जाने वाली सिद्धि, आत्म सिद्धि और नव निधि उनके पास रमण करती चारों, कोई भय नहीं था किसी से, और शराब पी करके बहुत दुर्गंधयुक्त शराब पीता था, पी करके स्वर्ग में बैठ करके शासन करता, और इंद्र चंद्र वायु वरुण सभी घूम रहे थे, और उन्होंने ये सब पोस्ट में असुर को बिठा दिया था, एक एक को, चंद्रमा जिस पार्टी आता है तो पोस्ट है, पार्टी आता है वो बिठाता है अपने आदमी, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि कौन पार्टी विन हुई, तो वो पार्टी के लोग वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के उसी पार्टी के आदमी रेलवे मिनिस्टर या मिनिस्टर हो मिनिस्टर बनते ना, ये पोस्ट है। इंद्र चंद्र वायु वरुण अपने आदमियों को लगा दिया था उन्होंने, और देवता लोग दर दर भटक रहे थे, भगवान को प्रार्थना किया, हे भगवान अभी आप ही एकमात्र, बोलते वो अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, बोलते टाइम नहीं हुआ है ये, तो अभी तो हम लोग मर जाएंगे, पता ठीक है ये जब अपने पुत्र को सताएगा मेरे भक्त को, तब मैं प्रकट होऊंगा, उनको मार दूंगा, तब कोई भी उनको बचा नहीं सकते, ब्रह्मा भी उनको बचा नहीं सकते। तो देवताओं ने समझा कि भगवान ने जब कहा है, इसलिए ये असुर तो मर ही गया समझ लो, अब ज्यादा समय नहीं है। तो हिरण्यकश्यप का 4 पुत्र था, उनमें से श्री प्रहलाद महाराज सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े पुत्र थे। तो श्री प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त थे, और उनको जब स्कूल भेजा असुर ने, शुक्राचार्य के 2 पुत्र संडामर्क दोनों को पढ़ाने के लिए रखा था, और उनकी स्कूल में बहुत दूसरे असुर के बालक पढ़ रहे थे, वहां भेजा, वो वहां प्रचार चालू किया स्कूल में, हरि बोल भगवान। ये लोग बोलते किसने सिखाया तुमको, वो पूछा तो उनको कोई जवाब नहीं दिया, बोलते हैं उल्टा सीधा जवाब दे करके बता दिया, ये नहीं बोला नारद जी सिखाए, तो माता के गर्भ में नारद जी उनको उपदेश दिया था, माँ के गर्भ में जब कयादु वो जो तपस्या में थे, तो कयादु भाग गई थी, उनको पकड़ करके इंद्र ले जा रहा था, और पकड़ करके इंद्र अंतरिक्ष में जा रहा था, तो श्री नारद जी ने उनको मुक्त कराया, बोले इंद्र ये तुम्हारा काम नहीं, दूसरे की स्त्री है, पर तुम देवताओं में राजा हो,
बोलते नहीं 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 नहीं, ये इसके गर्भ में एक महान असुर का वीर्य पनप रहा है। अब वो इतना महान है तो उनका बेटा भी उतना महान होगा। बोलते देखो तुम उनको भी नहीं मार पाओगे। नारद जी की बात को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम, ये भी भगवान के भक्त है ना नारद जी, कि इनको कोई मार नहीं सकता है। तो उनका बाप जब मारने के लिए आया तो भगवान ने इस नारद जी की बात को सत्य करने के लिए इनका रक्षा किया, मरने नहीं दिया। बहुत भक्त है इसमें, इस श्लोक का बहुत बहुत लोगों का प्राण रखने के लिए भगवान ने अवतार लिया इंद्र सिंह के रूप में। कह तो ये कयाधु को उपदेश दिया, कयाधु स्त्री होने के कारण वो भूल गई कि माता के गर्भ में जो बालक था प्रहलाद, वो नेचुरल भक्त के रूप में जन्म लिया, स्वाभाविक भक्त, क्योंकि नारद जी की संगति इतने काल तक किया था। तो वो तो उनका स्वाभाविक बुद्धि लगा हुआ था भगवान में, और असुर के उन दोनों शिक्षक ने सोचा कि तो हमारी खैर बिगड़ जाएगी, राजा पूछेगा। और राजा ने पूछा, बोले बेटा अच्छा पाठ क्या मानता है? तो बोलते भगवान की भक्ति, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। वो तो चकित होकर के उन लोग के सामने क्या पाठ पढ़ाया इनको, ये क्या बोल रहा है? मेरे शत्रु का भजन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे भाई को मार दिया था हिरण्याक्ष को, और मैं तो खोज रहा हूं मारने के लिए, लेकिन कहीं छिप करके चला गया विष्णु, इसलिए तो मैं पूरे ब्रह्मांड का शासक बन करके कि कभी न कभी उनको खोज करके मार दूंगा। और इसका ये भजन कर रहा है विष्णु का, उनको अच्छा कह रहा है, क्या सिखाया तुम लोग ने? तो क्षमा कीजिए, आपका बालक का स्वाभाविक बुद्धि ऐसा है, स्वाभाविक उसका बुद्धि, हम लोग नहीं शिक्षा दिए। तब वो अपने बालक को पूछा, अरे उद्धत, ये जब तुम्हारे गुरु महाराज की सिखाई हुई बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि कहां से मिली तुमको? तो ये बुद्धि तुमको मिली कहां से? तो उन्होंने कहा, हे पिताजी, जहां से आपको मिली है वहां से मुझको मिली है, क्योंकि भगवान ही सबके बुद्धि दाता है। तो भगवान ने ओ ऐसा जब बोला, बोले मेरे सामने इस बालक को मारो। और सब लोग ओ उठ करके चालू किया, हम लोग कथा लिए थे इधर, इसलिए मैं शॉर्ट कर जा रहा हूँ, और आज इतना टाइम भी नहीं पूरी कथा बोलू। तो सभी लोग असुर अपने अपने हथियार हाथ में लेकर के खड़े हो गए अपने राजा के जो बात पर। तो ये लोग मारने लगे, लेकिन वो लोग भाला मार रहे थे, वो भाला भीतर से निकल रहा था, लेकिन वो बालक को कुछ नहीं होता था। नहीं मरा तो उनको पहाड़ से भिगवाया गया, और पहाड़ से फेंकने के बाद जब वो नीचे उतरते थे, तब तक प्रहलाद महाराज हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए बैठे हुए मिलते थे, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे। और हाथी के पैरों के तले कुचलवाया गया, जहर दे करके मारने की चेष्टा की गई, और जहरीला गैस, बड़े बड़े सर्प कटवा करके, लेकिन एक भी सर्प नहीं। तब तक उनकी फूफी आई, हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी, और अपने भाई को इतना उद्विग्न देखा होलिका ने, तो हिरण्यकश्यपु था ये होलिका थी, होलिका ने देखा कि इतना परेशानी, बोले क्या बात है परेशानी का? बोले ये हमारा पुत्र विष्णु का भगत, बोले क्या बात है विष्णु का भगत हो गया, माता ने मार डाला इनको, बोले तुम मारो, मैं तो टाइगर के तक गया, ये मरता ही नहीं, चिंता का कारण नहीं। बोले अग्नि मुझे नहीं जलाता है, तुमको मालूम है ना, मैं गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, चित्ता बनाओ चित्ता बनाओ। और एक चित्ता की रचना किया बहुत बड़ा, होलिका लेकर के गोद में प्रहलाद महाराज को बैठ गई, बैठ से प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण कर रहे थे, और होलिका उनको अपना ये तो भाई का पुत्र, हमारे पुत्र है, तो थोड़ा लाड कर रही थी, बोला बेटा अभी तो मरना है, तुमको थोड़ा लाड कर लो, प्रेम कर लो तुमको अभी, बोले ठीक है भूपी, आप प्रेम करो नफरत करो जो भी करो, मैं मतलब नहीं है इससे, और लगाया आग। तो आग ने उल्टा काम किया,
होलिका नहीं जल रही थी, वो जलना चालू किया और प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। वो जल करके चार हो गई होलिका, इनमें किसको वसला आता उनको वरदान है वो नहीं जलेगी। लेकिन जब राख के ढेर के ऊपर बैठे प्रहलाद महाराज मिले, बोले देखो ये बालक और इतना थक गए उपाय करते हुए, तो उन्होंने एकदम सर पकड़ करके बैठ गए एकदम चिंता में कि इसकी मरता भी नहीं है और मेरे सामने से दूर भी नहीं होता है और टेंशन में आ गए कब तक संध्या मरता है। आपकी प्रकृति टेढ़ी होने से लोकपालों के साथ ये तीलों की कांपती है, अरे बालक के लिए अब इतना टेंशन है। बोले देखा नहीं तुमने टेंशन का कारण है, मरता भी नहीं। बोले भगवान शुक्राचार्य हम सब के गुरु है, उनके पिताजी थे, वो कहीं बाहर गए, वो आने वाले ही है थोड़े दिन में, तब तक आप उनको बांध करके रखिए। बोले बांधने का क्या जरूरत है, ये गीत हमारे सामने खड़ा रहता है, भागेगा नहीं है, ये मुझे भगाएगा, ये तो नहीं भाग के जाएगा। तो तब तक रखो, और हो सकता है कि बड़े बूढ़े के आशीर्वाद से उनकी बुद्धि बदल जाए। तो असुर थे ना भगवान के भगत नहीं थे, और इनको अब ये बुद्धि के लिए हम लोग तो रोज कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा बुद्धि हमको मिले, भगवान की भावना मृत बुद्धि हम तो प्रयास कर रहे हैं, उनकी स्वाभाविक थी, पर ये दुर्बुद्धि बदल सकती है आशीर्वाद से शुक्राचार्य के, या शुक्राचार्य समझा देंगे टेंशन मत लो, तो ठीक है इस उद्दत को मेरे सामने से लेकर जाओ स्कूल में और उनको ठीक पाठ पढ़ाओ, कोशिश करो। प्रहलाद महाराज को लेकर गए, प्रहलाद महाराज चालू किया और फिर विधिवत उपदेश है, दो अध्याय में उपदेश है प्रहलाद महाराज का। और जब सारे बालक तब महामंत्र का कीर्तन करने लगे और वो दोनों डर करके राजा के पास पहुंच गए, बोलते आपका बालक ये उद्दत दूसरे स्कूल के बच्चे को बिगाड़ दिया, सब लोग भजन करते हैं विष्णु का। तब वो एकदम गुस्से हो गया हिरण्यकश्यप, वो कह रहा है कि देखो बालक एक दुर्विनीतस्य दुर्बुद्धि, वो कहते हैं कि मंडप अनुकूल, कहते हैं मंडम कुल भेद कराधम और स्तब्धम मत शासन उद्भुतम निश्चित्वाद्य यमक्षयम। बोलते हे कुल भेदक, चाचा का मारने वाले का तुम भजन कर रहे हो, तुम तो अपने कुल को फोड़ने वाले हो, हे कुल आदम, और तुम दीत हो करके मेरे सामने अभी तक खड़े हो, आज मैं तुमको यम के दरबार में भेज करके रहूंगा मेरे हाथ से। वो कहते कंपने तय लोका स ईश्वर तस्य मे भीतवत मूढ शासन किम बलो त्याग, पर तुम मेरे सामने जो खड़े हो उद्दत होकर के, तुम किसके बलबूते पर खड़े हो, क्योंकि मैं जब ऊपर देखता हूं तो त्रिलोकी के साथ सभी देवता सब भी दिक्पाल काम उठते हैं, किसके बलबूते पर तुम खड़े हो। प्रहलाद महाराज चालू किया तुरंत, वो प्रश्न करते नहीं थे, प्रहलाद महाराज जवाब चालू करते, हम लोग सुने थे लेकिन थोड़ा प्रश्न आंसर थोड़ा सुन लेते हैं। कहते न केवलम मैं भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम परे अवर अमि स्थिर जंगमाना ब्रह्मादेव जन वसन प्रणिशा। बोले हे पिताजी, आपने जो प्रश्न किया है तो मेरा फर्ज है कि पिता की बात का उत्तर दे पुत्र। तो कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सबके ऊपर जिनका शासन है वो परावर ईश्वर भगवान न केवल आपको बल देते हैं और मुझको देते हैं, समस्त सृष्टि में जितने सत्व है जितने शरीरदारी जीव है उन सब की सबका शारीरिक बल उनका है, वही सबको बल देते हैं सह ईश्वर। तो कैसे सबको दे सकते हैं, ईश्वर वो परम नियंता है, काल उरुक्रमो अस ओजस स सत्व इंद्रियात्म। देखिए हमारे पास भी जो बल है ना वो हमारा नहीं है, अगर अपना है
तो फिर बुढ़ापे में दिखाइए बल को, ले लिया गया, अपना नहीं था, कौन जाने देगा बल को, कौन बुद्धि को डाउन होने देगा। लेकिन सब चला जाता है, समय पर आता है, समय पर कोई जो दिया है वो ले लेते हैं। तो कहते हैं कि वो ईश्वर ही अपनी शक्ति से इस जगत को उत्पन्न करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका नाश करते हैं। ये त्रिलोकी के ईश्वर जो परम विक्रममय, जिनका विक्रम